हेलो जी, कैसे हो सब? तो आज हम बना रहे हैं वॉफल फ्राइज़। मतलब एक नया सा कॉन्सेप्ट है। मेरे को ये ना कटर मिला अमेज़ोन पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह का दिखता है और इससे ना वॉफल फ्राइज़ बन जाएंगे। इससे वो जो मकीन्स की क्रैकल फ्राइज़ आते हैं ना, वो भी बन जाएंगे। किसी दिन वो भी ट्राई करेंगे। मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ट्राई करने चाहिए फिर। नहीं, आज हम बना रहे हैं वॉफल फ्राइज़। ठीक है, कट 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 कट। इसका प्राइस ना, वैसे तो इस पे तो 599 लिखा हुआ है, पर मेरे को शायद 300 में मिला है क्या? शायद हाँ, कुछ 270 या फिर 300 में। ठीक है, वॉफल फ्राइज बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वॉफल बनाने का कटर। एक्चुअली पोटैटो भी बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको बस यही सामान चाहिएगा। और आपको ऑयल वगैरह चाहिए फ्राई करने के लिए, कुछ पानी वगैरह चाहिए डिप करने के लिए। बस ऐसा, वो तो सब रेगुलर मिल ही जाता है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए और उनको छील लिया और कट कर लो ये हमारे कटर से। तो कट करने का सिस्टम ना कुछ ऐसा रहेगा कि पहले आपको ना आलू को मतलब ऐसा पहले कट करना पड़ेगा, फिर उसको पलटा के फिर से कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे वॉफल वाली शेप आ जाएगी। वॉफल वाली एक्चुअली पहले क्या हुआ था मैं बताती हूँ आपको। पहले वाली शेप ना अंकल चिप्स वाली शेप बनने लगी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो अंकल चिप्स बनने लगे। पर बिल्कुल करीब से काटोगे ना, बिल्कुल पास ले जाके कट करोगे तो वॉफल वाली शेप बन जाएगी। ये थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा, मेरे को भी नहीं आया था, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ख़राब भी होते गए। बहुत कोई कोई चिप्स ना बहुत मोटी भी बन गई हैं। कोई कोई शेप तो अच्छे से आ गई, मतलब परफेक्ट वॉफल वाली। ठीक है, तो ये सब ना प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। मेरे को भी कौन सी प्रैक्टिस यार, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, और जब ये सारे वॉफल चिप्स बन जाएं तो इनको ना एक बोल में पानी भर लो और उसमें उस सारे को डिप कर दो, मतलब धो लो अच्छे से इनको, थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ठीक है, इनके बाद ना मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बॉईल किया, मतलब ऐसा बॉइलिंग वाटर में थोड़ी देर के लिए डाल दो, एक दो मिनट के लिए, बस 2 मिनट भी नहीं यार, एक आध मिनट लगेगा। ठीक है, इनके बाद इसको अच्छे से निकाल के और फिर इनको एकदम पूरे अच्छी की तरह से पोंछ लो, मतलब पानी एकदम ना सूख जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ना इनमें कॉर्नफ्लावर डालो और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालना है और पूरा चिप्स को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर सब सारी चिप्स पे आ जाना चाहिए। इसके बाद इनको डीप फ्राई कर लो। और हमारी वॉफल चिप्स भी रेडी हो गई हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। कोई कोई शेप तो अच्छे से आई है, कोई कोई ना अंकल चिप्स जैसी बन गई है। और हाँ, इससे मुझे याद आया, इस वाले कटर से ना आप अंकल चिप्स भी बना सकते हो। तो अगर आप बोलोगे कि मैं भी ट्राई करूँ अंकल चिप्स बनाना और उसका मसाला वगैरह बनाना बिल्कुल वैसे ही, तो मुझे कॉमेंट करके बताना, एक दिन ज़रूर ट्राई करेंगे। और इसमें चाहो तो ऊपर से पेरी पेरी डाल लो। कोई कोई की तो शेप बहुत अच्छे से बन के आई है और कोई कोई ना बहुत थिक हो गई है, तो ये तो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी है। अच्छे से पेरी पेरी डालना तो अच्छा लगेगा, अच्छा टेस्ट आएगा। चलो, आज का क्वेश्चन है कि ये जो मैंने मोल्ड खरीदा है ना, ये मैंने अमेजोन से खरीदा था, ये मैंने कितने रुपए का खरीदा है, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है, जो जो सही आंसर देगा उनको मैं हार्ट दूंगी, रिप्लाई करूंगी। और अगर आप सही आंसर दोगे ना तो आप ये भी जीत सकते हो और आज का गिव अवे रहेगा इसी का ही। और जब भी वीडियो पर 10K लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होता है तो हम इसका गिव अवे करेंगे। ठीक है, चलो बाय। 'Cause I can do without it.